के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य मेहमान एस के एम पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर एस के मुरारी जी, आपका मैं इस कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र परिवार की तरफ से और सभी हमारे प्रतिभागियों की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपने अपना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर यहाँ पधारे हैं, आपका पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस मौके पर दूर दराज से पधारे हुए हमारे सभी किसान भाइयों, एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स इस कार्यक्रम में विश्व मृदा दिवस पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस देश के नौजवान युवा साथियों और हमारे इस एग्रीकल्चर कॉलेज, आप सभी का यहाँ हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और वो है विश्व मृदा दिवस। इस दिवस का मूल मकसद क्या है कि हमें किसानों के साथ साथ देश के आम नागरिक को मृदा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, उनको अवेयर करना, ताकि वो मृदा की इम्पोर्टेंस को समझे और उस अकॉर्डिंगली उसके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए प्रयास करें। आज का मुख्य मुद्दा ये है और ये पूरे भारतवर्ष के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर कृषि विज्ञान केंद्र, हर कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विभाग, सभी लोग जो है किसानों के साथ मिल करके इस विश्व मृदा दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमें आज के इस खास मौके पर उन तमाम बिंदुओं को हम लोग टच करने का प्रयास करेंगे जिसमें हम मृदा के स्वास्थ्य को कैसे बना के रख सकते हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपको पता है सोइल के अंदर लाखों करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और आज वो उनकी संख्या हजारों में रह गई है, वो खत्म हो रहे हैं सारे के सारे। वो क्यों खत्म हो रहे हैं? रासायनिक खेती की वजह से, केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से। अगर इस तरह से खत्म होते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हमारी खेती जो है, हमारी दरा है, वो बंजर हो जाएगी। तो उसको बंजर होने से रोकने के लिए इस तरह के जो डेज सेलिब्रेट करते हैं उनकी महत्वता अपने आप बढ़ जाती है। हमें किसान भाइयों को ये बताना है कि आपकी जो सोयल है, आपकी मृदा जो है, वो स्वस्थ बनाए रखने के लिए आपको क्या क्या प्रयास करने हैं, किस तरह से रासायनिक खेती को कम करना है, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ाना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाना है और सोयल के अंदर कौन कौन से रासायनिक तत्व ऐसे होते हैं जिनको एक संतुलन में बना के रखा जाएगा, बना के रखा जा सकता है। अभी तक हमारे किसान भाई जो खेतीबाड़ी कर रहे हैं वो परंपरागत खेतीबाड़ी हो रही है और हमारे पूर्वजों ने अभी तक इस तरह का मतलब वैज्ञानिक खेती को की शुरुआत नहीं की। अब वक्त आ गया है कि हम वैज्ञानिक खेती की शुरुआत करें और वैज्ञानिक खेती की शुरुआत आज के दिन से ही होती है। विश्व मृदा दिवस जो है, यानी कि मृदा से ही शुरुआत होगी वैज्ञानिक खेती की। सबसे पहले हमें मृदा स्वास्थ्य को सुधारना होगा, उसके अंदर जितने भी हम केमिकल, पेस्टिसाइड है ना, और केंचुए की खाद, वर्मी कल्चर। केंचुआ जो है किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि जिस खेत के अंदर केंचुआ होगा उस खेत की प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि कई तरह के काम करता है वो। सबसे पहले तो
जो जमीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको खा करके और वो एक्सक्रीटा के रूप में कंपोस्ट ही निकालता है, जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास और दूसरे पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है और उससे सोयल हमारी प्रोडक्टिव होती है। इसके साथ साथ केंचुआ एरेशन का काम करता है, जो हमारे हजारों लाखों जीवाश्म यानी कि जो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और वो ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम केंचुआ करता है। इसी तरह से हमें अपनी मृदा को किस तरह से, उसका पीएच कितना होना चाहिए, उसकी ईसी कितनी होनी चाहिए, उसका ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर जैविक कार्बन कितना होना चाहिए, इन तमाम बिंदुओं पे हमें मंथन करना है और जो कि आज की महती आवश्यकता भी है। अभी तक हमारे किसान भाई, कुछ किसान भाई हैं जो आज इस तरफ अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन अभी ज़्यादातर ऐसे हैं जो अभी इस फील्ड में नहीं आए हैं इस तरह से कि भाई हमें खेती करने के लिए वैज्ञानिक सोच पैदा करनी होगी और वैज्ञानिक सोच के लिए सबसे पहले हमें अपने सोयल का स्वास्थ्य सुधारना होगा और वो सोयल का स्वास्थ्य सुधारने के लिए पहले सोयल की कंडीशन को जानना होगा भाई कैसी कंडीशन है, तभी तो हम उस पर विचार करेंगे भाई हमारे सोयल के अंदर किस चीज़ की इस हम लोग डिस्कशन करेंगे। और मेरे साथ वैज्ञानिक हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र एक ऐसा सेंटर है जहां एक छत के नीचे लगभग 7 वैज्ञानिक बैठते हैं और उन 7 वैज्ञानिकों का अपना अलग अलग काम होता है। कोई यहाँ